हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम है ऋतिक, आप देख रहे हो ऋतिक टेक्निकल सपोर्ट। तो मैं आज आप लोग के इस वीडियो में बताने वाला हूँ ओप्पो के डिवाइस के यहाँ पर नोटिफिकेशन के बारे में कि आप लोग किस टाइप से इसे चेंज कर सकते आई नोटिफाई में, ठीक है ना दोस्तों। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले बता दूँ दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, प्लीज़ रेड की बटन दबा के हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दो। एंड बगल में बेल करना ना भूले, इंडिया वीडियो पसंद आए लाइक करना बोले और शेयर करना भी ना बोले। चलिए बात करते टॉपिक की। तो सबसे पहले आप लोग एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है नोटिफिकेशन बारो के फ्रेंड। तो इस टाइप के आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक आप लोग को वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जैसे आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन करते हैं, तो आप लोग यहाँ पे इसे अनेबल करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा कि आप लोग यहाँ पे परमिशन मांगेगा। ओके फ्रेंड, तो आप लोग यहाँ पे एक्सिबिलिटी से परमिशन दे दीजिएगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या करना है, आप लोग यहाँ पे जाना है सिक्योरिटी सेंटर में अपने ओप्पो के, और फ्लोटिंग विंडो मैनेजमेंट से इस एप्लीकेशन को परमिशन दे दीजिएगा। वरना ये वर्क नहीं करेगा, तो आप लोग यहाँ से जो परमिशन दे दीजिएगा। जैसे यहाँ पे मैं इसे परमिशन दे देता हूँ, अब मैं इसे ओपन करूँगा तो यहाँ पे मेरी जो स्टेटस बार यहाँ पे नज़र आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं फिर से जो है मैं इसे अनेबल कर दूँगा। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेगा। और तो जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इसे अनेबल किया, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारा बैटरी आइकॉन आ गया और यहाँ पे हमारा सीन आइकॉन यहाँ पे आ चुका है। तो इस टाइप के आप लोग को स्टेटस बार देखिएगा। जैसे मैं ऊपर नीचे से ऊपर सॉरी ऊपर से नीचे यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन आप लोग का स्टेटस बार जो है, क्योंकि जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और पहले का स्टेटस बार हमारा अलग टाइप का था एंड अब अलग टाइप का हो चुका है, जिसमें क्या रहता है ना कि आप लोग का इंटरेस्ट और बढ़ता है यहाँ पे फ़ोन चलाने में। जिसमें क्या रहता है कि आप लोग को अगर चेंज मिल जाए फ़ोन में तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे लगता है। और भी आप लोग को यहाँ पे कस्टमाइज़ का ऑप्शन मिल जाए। जैसे यहाँ पे आप लोग यहाँ पे है चेंज स्टेटस बार बैकग्राउंड कलर। ओके फ्रेंड, यहाँ पे आप लोग बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पे पैनल का बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे चेंज नेटवर्क का नेम भी आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जो काफ़ी अच्छी बात है। और इस टाइप से आप लोग यहाँ पे अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और उस एप्लीकेशन का लिंक आप लोग वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जो डाउनलोड कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जो वीडियो कमेंट करना बोले मैं उस वीडियो बना के आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय माता दी।